हाय गाइस, मैं हिमांशु अपने चैनल टेक शॉप पे हमेशा की तरह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने जो एलईडी बल्ब अक्सर घर में ख़राब हो जाते हैं, हमारे घरों में, ऑफिसेस में, और उनको ख़राब होने के बाद हम फेंक देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये आपका जो एलईडी बल्ब है, ये एलईडी बल्ब रिपेयर भी हो जाता है और इसको आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। आइए, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे और इसको चेक कैसे करेंगे और इसको रिपेयर कैसे करेंगे। दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आज इस वीडियो में मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इसमें आपका एक रुपये भी इन्वेस्ट नहीं होगा। ये आप फ्री में अपना एलईडी बल्ब रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस एलईडी बल्ब में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसको दिखाने के लिए मुझे अपनी ये लाइट ज़रा बंद करनी पड़ेगी ताकि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम दिखे, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से उसे ऑन कर लूँगा। आइए देखते हैं। ये मैंने अपनी लाइट ऑफ कर दी है। अब मैं इसको एलईडी बल्ब को जो मैंने अपने होल्डर से कनेक्ट किया हुआ है, इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये देखिए, अब ये एलईडी बल्ब जो है ये इतना डिम जल रहा है कि इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों होता है ऐसा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो एलईडी बल्ब में ये प्रॉब्लम आती है, ये इस वजह से आती है कि सबसे पहले तो हम इसमें चेक करते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा ये सर्किट है जो ऊपर ये लगा हुआ है जिसमें एलईडी बल्ब्स लगे हुए हैं, और एक इसके अंदर सर्किट के नीचे, इस एलईडी की प्लेट्स के नीचे एक अंदर बोर्ड होता है जिसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। किस तरह का बोर्ड होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। वो इस तरह का हमारा एक बोर्ड होता है जिसमें ये, जिसमें कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार हमारी एलईडी लाइट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सर्किट, ये हमारी एसी, यहाँ से एसी आती है, ये सर्किट में आती है और वो डीसी बन के हमारे बोर्ड में, जो दो वायर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दो वायर जो आपको दिख रहे हैं, ये हमारी डीसी है जो यहाँ से निकलती है, यहाँ से हमारी डीसी निकल के हमारे एलईडी वाले प्लेट में जाती है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इस हवाले एलईडी बल्ब को हम कैसे रिपेयर करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना इसमें एसी ही देंगे, पीछे से ये एसी करंट दे रहा हूँ मैं इसमें। करंट देने के बाद दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे मल्टीमीटर में जाके। मल्टीमीटर को हम डीसी मोड में रख देंगे। जो इधर वाला ऑप्शन है ये हमारा एसी है, और जो हमारा इधर वाला ऑप्शन है ये हमारा डीसी है। इसको हम डीसी वाले मोड में रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारे एलईडी बल्ब में वोल्टेज कितनी आ रही है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 116 117 वोल्ट बराबर आ रहे हैं इसमें। जितना वोल्टेज हमें चाहिए वो उतना इसमें परफेक्ट आ रहा है। अब इसकी मैं एसी दोबारा से बंद कर देता हूँ। अब हम, मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप ये एलईडी बल्ब को ध्यान से देखिएगा, जितना क्लियर हो सकता है मैं उतना क्लियर करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इसमें जो हमारे एलईडी बल्ब हैं वो लाइट येलो कलर के एलईडी बल्ब्स हैं, है ना। ये देखेंगे आप, ये लाइट येलो सारे हमारे इसमें टोटल 9 बल्ब लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा ये 9 वाट का है तो हमारे इसमें 9 बल्ब लगे हुए हैं। ये देखिएगा आप, इसमें ये 9 वाट का है तो 1 वाट का पर बल्ब इसमें लगा हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कि ये सारे जितने भी बल्ब इसमें लगे हुए हैं, ये सारे बल्ब्स लाइट येलो कलर के हैं। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, हमारा एक बल्ब जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है जो इसमें आ रही है। कौन सा बल्ब है उसको हम कैसे ट्रेस करेंगे, उसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसमें एसी देने के बाद किसी भी एक, आपके घर में प्लकर होगा, ये प्लकर को यूज़ करके सारे एलईडी बल्ब्स को एक एक करके चेक करके, दोनों साइड से शॉर्ट करके चेक करके देख लेंगे। तो हम एक तो ये पता कर सकते हैं, देखिए ये भी सही है, 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 ये आप देख सकते हैं। अब ये एलईडी बल्ब जो है पूरा जल गया है। इस वाले बल्ब में हमारी कमी है। और इसको चेक करने का एक तरीका और भी है। इसको चेक करने का दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे एलईडी बल्ब जो हैं वो लाइट येलो कलर के हैं, लेकिन आप ध्यान से देख सकते हैं जो ये वाला बल्ब है, ये देखिएगा हल्का सा ब्लैकिश हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ये हल्का सा ब्लैकिश हो गया है यहाँ पे।
तो ये जो ब्लैकिश हुआ है ये इसकी वजह से ये दिख जाता है हमें बाहर से ही कि हमारा ये वाला जो बल्ब है ये फॉल्टी है। तो अब इसको रिपेयर कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक छोटी सी चीज करनी है कि यहाँ से एक वायर उठाएंगे, जम्पर देंगे हम इसमें, टांका मारेंगे हिंदी सरल भाषा में बोलूँ तो, यहाँ से एक टांका देंगे और उसको उठा के हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो मतलब हम इस बल्ब का रोल खत्म कर देंगे, हम इसे डायरेक्ट कर देंगे, सीरीज में डाल देंगे हम इसे डायरेक्ट। तो आइए अब मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसे कैसे रिपेयर करना है, इसको कैसे हम सोल्डर करेंगे वायर को। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा लेते हैं दोनों साइड बल्ब के। इसके बाद इसमें से थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगाएंगे हम। दूसरी साइड से भी सोल्डर लगाएंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें एक वायर से जम्पर देंगे। वायर से जम्पर देने के बाद दोस्तों अब हम इसे टेस्ट करेंगे। ये देखिएगा अब ये फुल लाइट में चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा बल्ब है, ये हमारा बल्ब रिपेयर हो चुका है। अगर आपको दोबारा से क्रॉस चेक करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं ये वायर निकालता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये वायर मैंने निकाल दिया और इसको मैं जला के दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये जल नहीं रहा है, लेकिन जब ये वायर मैं दोबारा से इस पर ज्वाइंट कर देता हूँ और इसको दोबारा ऑन करता हूँ तो ये देखिए ये फुल फ्लो में अपना जितना जलना चाहिए उतना जल रहा है। तो दोस्तों ये इसका सॉल्यूशन था। ये बल्ब हमारा जब खराब हो जाता है तो तब ये प्रॉब्लम आती है। तो जब हमने इस बल्ब को क्या किया, इसका रोल ख़त्म कर दिया, इस बल्ब का हमने रोल ख़त्म कर दिया, जो भी यहाँ से जो करंट पास होके इस बल्ब पे जो जाना चाहिए या इस बल्ब से जो पास होके करंट इस बल्ब पे आना चाहिए, वो बीच में ये बल्ब हमारा फॉल्टी है और वो करंट यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है पूरा, तो उसकी वजह से ये जो लाइट है ये पूरी नहीं जल पा रही है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से कनेक्शन उठा के हमने डायरेक्ट आगे वाले बल्ब पे दे दिया। तो ये डायरेक्ट जो कनेक्शन हो गया है, इस बल्ब को अगर हम निकाल भी देंगे तो ये हमारा बल्ब हमारा पूरा जलता रहेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।